हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किचन फॉर फूडीज। आज हम बनाएंगे तूर के दाने की कचौरी। तूर के दाने को हम लीलवा भी बोलते हैं, और उसी के साथ मैं आपको दिखाऊंगी कि जो हमें रेस्टोरेंट में स्नैक्स के साथ हरी वाली चटनी देते हैं, उसमें वो कौन सा सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालते हैं जिससे चटनी टेस्ट में बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 2 बाउल तूर के दाने लिए हैं, जिसे लीलवा बोलते हैं, और 1 बाउल मटर। अब हम तूर के दाने और मटर को दरदरा पीस लेंगे। हमें इसका बहुत बारीक वाला पेस्ट नहीं बनाना है, नहीं तो कचौरी बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। मैंने तूर के दाने और मटर को दरदरा पीस लिया है। अब हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और फिर ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। जैसे ही हमारा तेल गरम होता है, हम ऐड करेंगे थोड़ी सी हींग और थोड़ा सा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से जो हमारे तूर के दाने हैं, वो बहुत अच्छे से जल्दी से पक जाएंगे। अब हम ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट, 1 छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट, और दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच तिल। जो नॉर्मली हम लड्डू बनाते हैं, वही तिल लिए हैं, और 2 बड़ी चम्मच सौंफ। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फिर ऐड करेंगे जो हमने लीलवा और मटर का दरदरा पेस्ट बनाया था वो। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम ऐड करेंगे नमक। नमक आप आपके टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। मैं यहाँ पर 1 छोटी चम्मच नमक डाल रही हूँ, और फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे कवर करके कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से पकने के लिए रख देंगे। गैस की फ्लेम लो रखेंगे और बीच बीच में 2 से 3 बार इसे अच्छे से हिला लेंगे। यहाँ पर मुझे ये लीलवा पकाने में 7 मिनट लगी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच शक्कर और 2 बड़े चम्मच ड्राई कोकोनट का बूरा, 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर। इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसे हम 2 मिनट के लिए पका लेंगे। अब हम ऐड करेंगे, ये मैंने 1 बड़ा चम्मच पुदीने की पत्ती ली है, जिसको छोटा छोटा कट कर दिया था। 3 बड़े चम्मच लहसुन, जो हरे वाले लहसुन आते हैं वो, और ढेर सारा धनिया। कम से कम मैंने 1/2 बाउल जितना धनिया लिया है। अब हम इनको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आप इसमें आलू डालना चाहो तो भी डाल सकते हो। 2 से 3 आलू को अच्छे से बॉईल कर लीजिए और फिर उसे मैश करके इसमें ऐड कर दीजिए। वो कचौरी भी बहुत ही टेस्टी लगती है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और फिर ऐड करेंगे 1 चम्मच नींबू का रस। आपको आपका ये पेस्ट है वो गीला लगे तो आप इसमें जो पौवा आते हैं वो भी ऐड कर सकते हो। अच्छे से मिक्स करने के बाद ये मिक्सचर को टेस्ट कर लीजिए। अगर आपको कुछ कम लगे तो आप और ऐड कर सकते हो। अब इस मिक्सचर को हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। तब तक हम कचौरी के लिए आटा बना लेते हैं। ये मैंने 1 बाउल मैदा लिया है और 1/2 बाउल गेहूं का आटा। आपको आटा नहीं डालना है तो आप सिर्फ मैदे की भी बना सकते हो।
ऐड करेंगे आधी चम्मच नमक और दो बड़े चम्मच तेल। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और एक अच्छा सा डो रेडी कर लेंगे। हमें जो ये आटा है उसे बहुत गीला नहीं रखना है, इसे हम थोड़ा टाइट ही रखेंगे। ये हमारा आटा बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही रख देते हैं। अब हम बनाएंगे जो हमें रेस्टोरेंट में स्नैक्स के साथ चटनी दी जाती है वो। ये जो हरी चटनी हम नॉर्मली घर पर बनाते हैं फुदीने की, वही चटनी ली है। इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच दही और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एकदम परफेक्ट जो रेस्टोरेंट में हमें स्नैक्स के साथ चटनी सर्व करते हैं, ये वो वाली चटनी है। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसी के साथ 20 मिनट भी हो गए हैं और ये जो हमारा आटा है वो बहुत अच्छे से सेट हो गया है। ये हमारा लीलवा का पेस्ट। अब हम एक पूड़ी बनाते हैं, उतना आटा ले लेंगे, उसे अच्छे से रोल करेंगे और फिर रोलर पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और फिर पूड़ी जितना बेल लेंगे। जो हम नॉर्मली तली हुई पूड़ी बनाते हैं उतना ही हमें बेलना है। और ये जो कचौरी है उसके लिए हम जो पूड़ी बेलेंगे वो हमें बहुत पतली भी नहीं रखनी है और बहुत मोटी भी नहीं बनानी है। जो हम पूड़ी बनाते हैं सेम मैंने उतनी ही इसे बेल लिया है। इसके ऊपर हम डालेंगे 1 चम्मच भर के जो लीलवा का हमने मसाला बनाया था वो, और फिर जैसे हम मोमोज बनाते हैं वैसे इसे हम पैक कर लेंगे। बस हम आटे को थोड़ा थोड़ा करके एक जगह पे बीच में अच्छे से मिला लेंगे और ऊपर से जो एक्स्ट्रा आटा है उसे निकाल लेंगे। बहुत ज्यादा मत निकाले नहीं तो ये जो कचौरी है वो फट सकती है। अब हम इसे थोड़ा सा हल्का सा प्रेस कर लेंगे। ऐसे ही हम सारी कचौरी बना लेंगे और अब हम इसे तलेंगे। तलने के लिए हमें जो ये तेल है वो ज्यादा गरम नहीं करना है, एकदम हल्का सा गरम करेंगे और फिर कचौरी को एक एक करके डाल देंगे। अगर आपका जो ये तेल है वो ज्यादा गरम होगा तो कचौरी फट सकती है, तो ये बात का ध्यान रखें कि तेल को हमें नॉर्मल थोड़ा ही गरम करना है। अब कचौरियों को थोड़ी देर के बाद हम पलटा लेंगे। आप देख सकते हो कि कचौरी का कलर चेंज हो गया है, मतलब ये कचौरी हमारी बनकर रेडी है। गैस की फ्लेम आप मीडियम ही रखोगे और उसे पलटाते पलटाते अच्छे से फ्राई कर लोगे। ये हमारी कचौरी बनकर रेडी है। इसे गरम गरम चटनी और केचप के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगती है और विंटर में स्पेशली स्पाइसी और हॉट कचौरी रेडी है।